agarabita kaapne hamara channel subscribe nahi kiya to use subscribe kijiyega aur saath wale bell icon ko zarur press kijiyega taki jab bhi latest video aaye uska notification aap tak pahunch paaye। अस्सलाम वालेकुम रिस्टार टीवी के मोहज़्ज़ नाज़रीन। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वीज़ा तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, इलाज की गरज से बरतानिया में मुकीम साबक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को ज़बरदस्त धचका पहुँचा है। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बरतानिया में मज़ीद क़याम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने बरतानवी हुकूमत से वीज़ा तोसी की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, कायद नून लीग की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि वो बीमार हैं लिहाजा इन्हें इलाज मुकम्मल होने तक बरतानिया में मज़ीद क़याम की इजाज़त दी जाए। अब जुमरात के रोज़ बरतानवी हुकूमत के मुतल्लिका अदारे ने पाकिस्तान के साबक वज़ीर आज़म की वीज़ा तोसी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें चंद रोज़ के अंदर मुल्क छोड़ने की तलकीन की है। नाज़रीन, बताया गया है कि वीज़ा तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद भी नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। नवाज शरीफ अब भी बरतानवी हुकूमत से वीज़ा तोसी से इनकार के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हो जाए तो फिर नवाज शरीफ बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत जा सकते हैं। अगर अदालत से भी इनके खिलाफ फैसला आए तो फिर इन्हें हर सूरत बरतानिया छोड़ना होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अपीलों के फैसले आने में 3-4 माह का वक़्त लग सकता है। नाज़रीन, इसलिए इस अरसे के दौरान नवाज शरीफ को बरतानिया से बेदखल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कायद नून लीग नवाज शरीफ का पासपोर्ट पहले ही मंसूख कर चुकी, इसलिए इन्हें किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बिना नवाज शरीफ बरतानिया से किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते।